सर आप मुझे ये बताएं कि आप जो जितने भी बच्चियों का जो शादी किए हैं बच्चे बच्चे की इसी तरह का बिल्कुल सिंपल अंदाज में, और तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस्लाम के लोग, इस्लाम के मानने वालों को? मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इस्लाम जो है वो आसान है, तरीक़ा है शादी जो है उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च होता है, लिहाजा ये सबसे कम खर्च वाला निकाह है। इसलिए ज़रूर अल्लाह के रसूल के कहने के मुताबिक ये बाबरकत है। आपने पहली लड़कियों का जो अपने पहली लड़की का जो अपने निकाह किया तो यहीं पे इसी मस्जिद में किया और इसी तरह किया। हाँ। और सारे लोग उसमें आए और गए निकाह में वादे करके। तो सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। न सर पे सहरा, न बाजा, न बाराती, लड़का सीधे सिंपल अंदाज में पहुंचा गांव के ही एक मस्जिद में जहां उनका होना था निकाह। जी हां दोस्तों, समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत शाहपुर बघौनी पंचायत का ये निकाह है जहां इतने सिंपल अंदाज में पूर्व शिक्षक शब्बीर साहब की बेटी का निकाह होना तय हुआ था। जब लड़की और लड़के वाले से इस निकाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सिंपल तरीका का होना ये बात का दलील है कि कोई भी लड़की आसानी से उसका निकाह हो सके। फजूल खर्च करने से बचने के लिए हम लोगों ने ऐसा निकाह का इंतज़ाम किया है ताकि आसानी से किसी भी लड़की की शादी हो सके। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह का तरीका है उस पर पूरा अमल हो सके। ये मस्जिद है, आप देख सकते हैं इस वक्त 5:30 जो ये निकाह हुई है और बहुत ही सिंपल अंदाज में शब्बीर साहब जो है, मैं आपको बता दूं जमात इस्लामी हिंद ताजपुर के यहाँ पर सदर हैं और أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام जनाब मास्टर शब्बीर अहमद साहब की साहबजादी सुरैया परवीन से आपका निकाह किया जाता है। बहवस तलमा 26,500 रुपये बशक्ल ज़ेवर मेरे मुअज्जल। गवाहान है जनाब अबुल फतह इरफान वल्द अबुल हयात नकवी साहब। गवाहे दोम है जनाब आरफीन सईदी वल्द सईदुल हसन कमाल मरहूम साहब। मैं शहनवाज़ अहमद
मोहम्मद सलफी की वकालत से तमाम हाजरीन की मजलिस की मौजूदगी में मास्टर शब्बीर अहमद साहब की सरजदी सुरैया परवीन को आपकी सौजियत में देता हूँ, आपने कबूल किया। दोस्तों, इस वक्त जो है मैं शाहपुर बगौनी के टोले वाले मस्जिद यानी कि टोले पर एक शब्बीर साहब के घर के बगल में ये मस्जिद है और उन्हीं के आज लड़की का निकाह हुई है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से फजूल खर्च को यहाँ पे जो है नज़रअंदाज किया गया है और देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही साधारण तरीके से जो है यहाँ पे निकाह हुई है। और मैं आपको बता दूं कि शब्बीर साहब के जितने भी बच्चे की जो निकाह हुई है वो इसी तरह साधारण अंदाज में इस दौर में भी इस 21वीं सदी में भी जो है इस तरह का जो है देखने को मिल रहा है, बहुत ही कमाल की बात नज़र आती है और काफ़ी लोग यहाँ पे इस निकाह में शामिल हुए। आप देख सकते हैं मस्जिद भरी पड़ी है, तमाम इधर के जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं और मैं जो है शब्बीर साहब से भी बात करने की कोशिश करूँगा थोड़ी देर के बाद, क्या कुछ कहते हैं। क्या आबू भाई, बहुत ही शब्बीर साहब के जो जितने भी बच्चे हैं उनकी जो शादियां जो उनकी निकाह जो हुई है वो काफ़ी जो है एकदम बहुत ही फजूल खर्च से बाहर सिंपल अंदाज में हुई है, तो इस कहीं ना कहीं जो इस दौर में भी जो है वो एक कौम को एक नया मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत मुबारक हो शब्बीर साहब, इस्लाम बहुत बारीक मसला है, अमल का दारो मदार नीयत पे है, अब क्या क्या नीयत है, नीयत है तो सब कुछ दुरुस्त है, अल्लाह पाक पहले नीयत को देखते हैं, नीयत भी दुरुस्त होना चाहिए इस्लामिक कामों में, तो अल्लाह पाक कबूल करे शब्बीर साहब मुबारकबाद की पूछते हैं कि उन्होंने इस तरह से परवरिश किया अपने बच्चों का और उन्होंने अपने लड़कों के शादी में भी कुछ नहीं किया, इसलिए अल्लाह ताला ने बेटी के निकाह को उनका आसान फरमाया। दोस्तों, इस वक्त देख सकते हैं शाहपुर बगौनी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोले पे जो है ये मस्जिद है और इसी मस्जिद में जो है अभी जो है शब्बीर साहब की लड़की का यहाँ पे निकाह हुई है और मैं आपको बता दूं कि उनके जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का जो है निकाह जो है लगभग इसी तरह का आसान तरीके से जो है और बिल्कुल ही सिंपल अंदाज में जो है यहाँ पे सामने जो है ये दूसरी निकाह है यहाँ पे उनकी लड़की का और बिल्कुल ही सिंपल अंदाज में और इस दौर में भी जो है फजूल खर्च से बाहर जो इस्लाम का जो सही तरीका है उस पर अमल करते हुए इन्होंने अपने बच्चियों का जो है निकाह बिल्कुल आसान तरीके से किया है, ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, इस निकाह में शामिल हुए और अब शब्बीर साहब से भी मैं बात करूँगा, क्या कुछ कहते हैं। आइए, मुबारक हो आपको भाई। चलिए अभी जी ये
मस्जिद है, आप देख सकते हैं इस वक्त 5:30 जो ये निकाह हुई है, और बहुत ही सिंपल अंदाज में शब्बीर साहब जो है, मैं आपको बता दूँ, जमात इस्लामी हिंद ताजपुर के यहाँ पर सदर हैं। और गुस्सा वाला अंदाज में हमारा दोस्त शमशेर वीडियो नहीं लिए थे ना, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे शब्बीर साहब जो है अपने समधी, जो अभी नए नए जो समधी बने हैं उनके साथ यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं, और इनसे भी जाना चाहेंगे। हाँ सर, आप मुझे ये बताएं कि आप जो जितने भी बच्चियों का जो शादी किए हैं, बच्चे बच्चे की इसी तरह का बिल्कुल सिंपल अंदाज में, और तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस्लाम के लोग, इस्लाम के मानने वालों को? मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इस्लाम जो है वो आसान है। तरीक़ा शादी जो है उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। जी, लिहाजा ये सबसे कम खर्च वाला निकाह है। हाँ। इसलिए ज़रूर अल्लाह के रसूल के कहने के मुताबिक ये बाबरकत है। हाँ, आपने पहली लड़कियों का जो अपने पहली लड़की का जो आपने निकाह किया तो यहीं पे इसी मस्जिद में किया, और इसी तरह किया। हाँ। और सारे लोग उसमें आए और गए निकाह में वादे करके। तो कहीं ना कहीं इस दौर में भी आप 21वीं सदी में एक कौम को एक मैसेज देना चाह रहे हैं। जी, हमारे होने वाले दामाद लोग भी लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसी तरह निकाह करो ताकि मुसलमानों की इकतसादी हालत अच्छी हो। हाँ, ये आपके समधी जी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद दुलारे है। इरशाद अहमद, आप इसी मोहल्ले के हैं? इसी मोहल्ले के। हाँ, तो आपको पसंद आया इस तरह का शादी सिंपल में? पहली बार नहीं, मेरे बच्ची की शादी लड़के से है। ओ, पहले भी शाह अहमद सलफी से। ओ, इसी मस्जिद में हुई थी और हम लोग इसी तरीके को पसंद करते हैं। ठीक, किसी को तो किसी को भी समाज में ये बढ़ते हुए जो ये है इसके लिए तो कदम बढ़ाना होगा ना। हाँ, होना नहीं खत्म, हम तो ये हम देखा अल्लाह इसको कबूल करे। ये मस्जिद का क्या नाम है? मस्जिद अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला बिन जुबैर, ठीक, ये मस्जिद अब्दुल्ला बिन जुबैर है। ये शब्बीर साहब के घर के बगल में ही मगरबी टोला शाहपुर भगौनी में है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सिंपल अंदाज में इस दौर में भी जो है निकाह जो है हुई है। और मैं थोड़ा सा जो है दूल्हे बाबू से भी बात करना चाहूँगा, इस दौर में भी जो है आप 21वीं सदी में इतना सिंपल अंदाज में निकाह किए हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कौम के लोगों को? जितना कम खर्च वाला निकाह होगा उतना बरकत होगा। ठीक, जजाक अल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? कामरान अशरफ। कामरान अशरफ, इस निकाह में हम लोग भी शामिल हुए, हम भी शामिल हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त जो है हमारे साथ हमारे दोस्त बचपन का साथी है, हम लोग स्कूल में शामिल करते हैं। दोस्त, आप जो है अभी आपके शाहरुख भाई बने हैं, और आपके जो है साली का जो शादी अभी हुई है, अभी निकाह जो हुई है, तो आपकी भी इसी तरह जो है बिल्कुल सिंपल अंदाज में जो निकाह हुई थी इसी मस्जिद में हुई थी। तो शब्बीर साहब, आपके जो है ससुर हुए, तो आप जो है क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अभी तक? आप दोनों सारू जो इसी तरह का जो है निकाह किए हैं, तो इस्लाम के मानने वाले लोगों को, मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, अल्लाह ने जो हमें पैदा किया है वो सैर उम्मा सबसे बेहतर उम्मत हो, कुफ्र जो निन्नास तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, तो मतलब लोगों के लिए आप हर तरह से आप उनके लिए खैर का काम करें, भलाई करें, बुराई से रोकें, और बहुत सारी चीज़ें वो करें, आप उनके लिए कोई मुश्किल ना करें, आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करें। तो बस सिंपल ये है कि अल्लाह के रसूल ने जिस तरह का तरीका बताया है, निकाह इतना आसान है और इतना आसान कर दो कि जो मुश्किल हो जाए। आज की तारीख में रहना आसान है, निकाह बहुत मुश्किल कर दिया लोगों को। तो बस यही सिंपल सा मैसेज था कि निकाह इस तरह की जाए मस्जिद में, आसानी भी है, अल्लाह की खुशी भी है, अल्लाह भी राजी इससे, और
बेहतर है सबके लिए, और बहुत सारी गरीब बेटियों की जो इस तरह की जाती जाए तो आसानी होगी सभी के लिए। किसी लड़कियों को ना मारा जाएगा, जो बच्ची माँ के रहम में ही रहती है उसको मार दिया जाता है तो वो उससे बच जाएगी इंशाल्लाह। और लोग बच्ची इतनी प्यारी होती है उसके बाद माँ बाप के चेहरे पर किसी कम से मतलब अजीब सी परेशानी हो जाती है जब वो पैदा होती है, क्योंकि वो लोगों ने निकाह को मुश्किल कर रखा और कुछ बात नहीं है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि हम सभी लोग चले इस काम पर। बहुत 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 शुक्रिया शहबाज भाई। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त जो है मैं मगरबी टोला शाहपुर भगवानी में मौजूद हूँ मस्जिद में, और यहाँ पे अभी शब्बीर साहब की लड़की के सेकंड दूसरी लड़की का जो है यहाँ पे अभी निकाह हुई है, और ये जो है पहली लड़की से इनसे निकाह हुई थी, और दूसरी वाले से अभी जो दूल्हे बाबू जिनसे हम बात हुई है उनसे निकाह हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस दौर में भी जो है निकाह सिंपल अंदाज में बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और आप लोग जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, दूसरे लोगों तक भी जो है फैलाएं, ताकि उन लोगों को भी जो है आसान तरीके से निकाह करने में आसानी हो। और फजूल खर्च से ये भी हमारा देखिए हमारा ये दोस्त है शमशेर, ये भी इंशाल्लाह जो है ऐसे ही करेंगे, भाग रहे हैं क्यों ऐसा नहीं करना है क्या, ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है दोस्तों सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को।